नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। ये जो वाइसल सिग्नल, ये जो LNT का मतलब मैंने बना रहा था, उसका पार्ट वन में मेरा वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया, तो मैंने पार्ट वन में मैंने जो दिखाया उसके बाद ये पार्ट टू में दिखा रहा हूँ। ये जो लार्सन एंड टुब्रो का जो फिनेंशियल रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग इधर skinner.in से देखना चाहता हूँ। देखिए, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.46% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन दिस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट जो है, कंपनी का जो डेप्ट है वो भी रहता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में ओनली नेट प्रॉफिट वर्सेस इक्विटी रहता है। तो ये भी जहाँ आप लोग को फिगर थोड़ा सा इम्प्रेसिव है। पेग रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ जो है, ये वन से ज़्यादा है, मतलब अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी वन से ज़्यादा है, मतलब कंपनी थोड़ा सा डेप्ट रिडन है। और करेंट रेशियो अच्छा है, 2 के ऊपर होने से अच्छा होता था, मतलब करेंट रेशियो आप लोग मतलब जो करेंट लायबिलिटी है कंपनी मीट कर सकता है, अच्छी तरह से मीट कर सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका अच्छा है और क्विक रेशियो भी, मतलब इसमें जो लिक्विडिटी, मतलब इसका कैश लिक्विडिटी अच्छा रहता है। और सेल्स ग्रोथ 3 ईयर से नॉट बैड। और इसका देखिए, इधर कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ये अच्छा है। और कंपनी इज ट्रेडिंग 2.89% ऑफ इट्स बुक वैल्यू टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ ऑन 10.64% 5 ईयर्स। ये वीकनेस थोड़ा सा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए, लार्सन टुब्रो का ROC मतलब, और इसका कंप्यूटर का हिसाब से थोड़ा सा कम है। इधर राइड्स, अशोका बिल्ड ऑन टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका अच्छा है लार्सन टुब्रो का कंपैरिजन से। और क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखिए, कम नेट प्रॉफिट में परसेंटेज में कम आया, स्टेडीली डिक्रीजिंग फ्रॉम जून 2018। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कम हुआ है। तो कंपाउंडेड ग्रोथ 10 ईयर्स में इतना है, 5 ईयर्स में इतना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ट का हिसाब से LNT हम लोग कहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये बाई तो कर सकते हैं, बट नॉट सो मच इम्प्रेसिव। इसका ओवरऑल सेक्टरल एनालिसिस एंड इसका कंप्यूटर का हिसाब से हम लोग चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे इसका हम लोग कहाँ पर बाई कर सकते हैं। देखिए, इधर जून 2016 से मैंने ये फिबोनाची, ये पहले तो 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, मैंने 200 मूविंग एवरेज लगाया है, इधर दिखा नहीं रहा है। तो इसका हिसाब से ये ऊपर ही है। और देखिए, इधर ये अभी तक 38% के ऊपर है, तो इसका अभी ये अप ट्रेंड में ही है हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन लास्ट 3-4 मंथ में इसका ये प्राइस गिरा है, तो इसको हम लोग सोच लीजिए, ये मैं हम लोग का ये 3-4 मंथ, लास्ट 3-4 मंथ में है, तो ये लेवल दिखा रहा है 13.97% में 38.2% और 14.30 में इसका 50% और 61.14.75, ये अच्छा लेवल रहता है, इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं इसको।